उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा मसूद आलम खान ने आज 58 लोकसभा क्षेत्र में श्रावस्ती का भ्रमण किया और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मथुरा बाजार में इमाम अहमद राजा फाउंडेशन के जानिब से हर वर्ष आयोजित होने वाली कंबल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और गरीबों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है, शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, रोजगार नहीं है, लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। श्री खान ने बताया, समाजवादी पार्टी के समय में गरीबों के लिए जो भी योजनाएँ चलाई जा रही थीं, वर्तमान सरकार ने उसे या तो बंद कर दिया है या उसे बहुत कम कर दिया है। उसके उपरांत तुलसीपुर कस्बे में आयोजित तुलसीपुर नॉक आउट क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में मैच का उद्घाटन किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।